Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about Vedanta Limited. Metal sector के shares में आज हमने अच्छी गिरावट देखी है. Nifty Metal आज 2.32% गिर के close हुआ है. Share specific अगर हम देखें तो Vedanta Limited का share आज 2.13% गिरा है. Hindalco Industries का शेयर 0.36% गिरा है. टाटा स्टील में भी आज 1.22% की गिरावट हमने देखी है. मेटल सेक्टर आज अंडर स्ट्रेस था बिकॉज निफ्टी 50 में भी आज 1.01% की गिरावट हमने देखी है. बट एक न्यूज आई है मेटल सेक्टर के लिए जो पॉजिटिव साबित हो सकती है. क्या न्यूज है इसी का एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ने चाइना से स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप के इम्पोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है. ये ड्यूटी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू इम्पोज करी है एंड ये ड्यूटी वैलिड रहेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. सो 5 year के लिए गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करी है चाइना से स्टील ट्यूब और पाइप के इम्पोर्ट पे. इस ड्यूटी को लगाने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना एंड इस ड्यूटी के इम्पोजिशन के बाद फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इक्वल फुटिंग पे आ जाएंगे. आपका क्या ओपिनियन है इस ड्यूटी से, क्या स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा? डू कमेंट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. वेदांता के शेयर की अगर बात करें तो वेदांता का शेयर इस ईयर में अराउंड 14% के नेगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है. डिविडेंड कंपनी ने अच्छा पे किया है. 3 बार कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे कर चुकी है इस ईयर में एंड इसके चलते कंपनी के डिविडेंड यील्ड हो चुका है 22.5% के अराउंड का. एंटिसिपेशन ये भी है, एक्सपेक्टेशन यहां पर ये भी है, न्यूज में आ रहा है कि एक फाइनल डिविडेंड और कंपनी पे कर सकती है आने वाले टाइम में. अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस न्यूज में नहीं हुआ है बट एक फाइनल डिविडेंड वेदांता लिमिटेड की तरफ से जरूर आ सकता है. बट शेयर में तेजी कब से हमें देखने को मिल सकती है? टेक्निकल चार्ट्स हमने पहले भी देखे थे, आपके साथ शेयर भी किया था. टेक्निकल चार्ट्स से हमें लगता है वेदांता लिमिटेड के केस में तेजी हमें तभी देखने को मिल सकती है जब ये शेयर 320 रुपीज से ऊपर क्लोजिंग देता है. अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 303.5 रुपीज. अगर ये शेयर 320 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस शेयर में हमें फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेटल सेक्टर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वेदांता लिमिटेड न्यूज. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल की. काइंडली डू योर ओन रिसर्च देन ओनली इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स सिंस आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड.